दोस्तों, क्या आपकी गर्लफ्रेंड आपकी बात नहीं मानती? और भाई, अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, आपकी गर्लफ्रेंड आज से आपकी बात मानने लगेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रबी और आप देख रहे हैं लेवल लाइव। दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये आता है कि आप लड़की की ज़रूरत बन जाओ। ज़रूरत बनने से मतलब है उसके काम आओ, मतलब जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आप पहले से उसका काम कर दो। जैसे कि मान लो उसे कॉलेज में फिजिक्स के नोट्स की ज़रूरत है और आपने वो नोट्स उसे दे दिए, तो भाई अगली बार उसे कोई भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो भाई सबसे पहले वो आपको याद करेगी और भाई वो आपकी सारी बात भी मानेगी। वैसे ही अगर उसे मान लो किसी जॉब की ज़रूरत है और आपने उसे बोल दिया कि अरे यार, मैं वहाँ पर आपकी जॉब लगवा सकता रहा हूँ, प्राइवेट कहीं भी जॉब आप बोल दो कि मैं उस जगह, मेरी जान पहचान है, मैं आपकी जॉब वहाँ पे लगवा सकता हूँ बहुत अच्छे से और अच्छी सैलरी भी है वहाँ पे, तो भाई वो उसको आपकी ज़रूरत है, अब वो आपके पीछे घूमेगी। तो भाई ऐसे ही कुछ ज़रूरत चीज़ें हैं जो उसे बताओ तो वो आपके पीछे पड़ जाएगी और भाई आपकी सारी बातें मानेगी। दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है, लड़की को अपने ऊपर ट्रस्ट दिलाओ। मतलब जितना ज़्यादा लड़की आप पे ट्रस्ट करेगी ना, उतना ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में आपको बताएगी। जैसे कि मान लो उसकी लाइफ में कुछ ऐसा सीक्रेट है जो वो किसी से शेयर नहीं करती, लेकिन भाई आपसे शेयर करेगी क्योंकि आप पे वो ट्रस्ट करती है। तो भाई ट्रस्ट जगाने के लिए आपको उसके छोटे मोटे काम करने होंगे भाई। उससे मतलब ऐसा बताना होगा कि जैसे कि आपको उसकी लाइफ से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी उसकी खुशी चाह रहे हो और उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको कोई लालच नहीं है उससे, उसके शरीर से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ उसकी खुशी चाहिए। भाई यही सोचते हुए वो आपकी सारी बातें आपको बता देगी, मतलब आपको जो पूछना है वो आपको सब बताएगी, आपसे अपने सारे सीक्रेट शेयर करेगी और भाई इसका आपको होगा फायदा क्योंकि वो आपको छोड़ के कभी जाने वाली नहीं है, क्योंकि उसने अपने सारे सीक्रेट आपको बता दिए और आपकी हर एक बात मानेगी। क्योंकि भाई जिससे हम हमारे सीक्रेट पता होते हैं ना, तो हमें थोड़ा वो रहता है यार, कहीं ये हमसे दूर ना चला जाए, क्योंकि यही है जो मेरे सारे सीक्रेट जानता है। तो भाई सबसे पहले आप उसके करीब जाओ, उससे सारे सीक्रेट जान लो और ये जानने के बाद आप उसकी लाइफ में हमेशा रहोगे। दोस्तों, तीसरा पॉइंट आता है, आप एक दूसरे की हेल्प करो। इससे होगा कि आप एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाओगे। जैसे कि मान लो उसे कोई फॉर्म अप्लाई करना है और आप उसकी हेल्प करते हो, मतलब आप बोलते हो यार ये फॉर्म मैं आपको अप्लाई करके देता हूँ, उसे नहीं आता और आप उसका अप्लाई कर देते हो, तो भाई इससे होगा क्या, अगली बार उसे कोई भी प्रॉब्लम हुई, जैसे कि कोई भी फॉर्म ऑनलाइन कराना है, तो भाई वो सबसे पहले आपको याद करेगी। और वैसे ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बात जाननी है, तो भाई आप उसकी हेल्प लो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो भाई आप उसकी हेल्प लो, मतलब आप उसके लिए स्पेशल हो और वो आपके लिए स्पेशल है, तीसरा बंदा नहीं आना चाहिए बीच में। तो भाई उसके रहते जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो भाई आपको याद करेगी और आपकी बात मानेगी। तो भाई अगर ये सब आपकी लाइफ में होता है, आपकी लाइफ में एक दूसरे की बात आप लोग मानते हो, तो भाई आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रह सकते हो। तो भाई ये तीन चीज़ें होती हैं जो भाई आपको एक दूसरे के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती हैं और एक दूसरे की बात को आप मानते भी हो। पहला आता है आपकी ज़रूरत ट्रस्ट और फिर आता है हेल्प। तो भाई ये चीज़ें बहुत अच्छे से आप फॉलो करो तो भाई आपकी गर्लफ्रेंड आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो, हमें लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँ। मैं आजकल बहुत जल्दी जल्दी रोज़ एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ भाई, तो प्लीज़ हेल्प करो मेरी यार, मुझे थोड़ा आगे सपोर्ट चाहिए आपका। धन्यवाद।